सी इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है हमने अभी स्केले क्वांटिटीज पढ़ी थी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें डायरेक्शन भी होता है और ये क्वांटिटीज ओबे करती हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर इक्वलेंटली पैरलोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जिसके बारे में हम आगे वीडियोज़ में पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज जैसा कि हमने देखा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इनका फिक्स रहता है तो इसके एग्जाम्पल्स हैं डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड एक्सिलेशन फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पिछले में ही देखा था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस पूरे मोशन के लिए एग्जैक्टली exactly यही रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एंड एंडिंग एट द फाइनल पोजिशन सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाने पे अलग अलग रिजल्ट मिलता है अगर आप एक टेबल को किसी साइड में धक्का देंगे तो वो उस साइड मूव कर जाएगी अगर आप उस पर अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो वो ऊपर उठ जाएगी तो हम देख सकते हैं अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसलिए फ़ोर्स के साथ हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएट किया जाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये फुटबॉलर फुटबॉल football को एक किक मार रहा है तो वो इस पे वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन तो ये फोर्स हमेशा डायरेक्शन के साथ ही बताया जाता है सिमिलरली एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और जिस डायरेक्शन में इसका मोशन है उसी में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब सिंस डिस्प्लेसमेंट एक फैक्टर है तो एक्सेलरेशन भी एक फैक्टर होता है उसको भी हमेशा डायरेक्शन के साथ ही बताया जाता है अब डायरेक्शंस की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं कि करंट वायर्स में बहता है और हम ये कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज वायर का डायरेक्शन सेम रख रहे हैं हम तो करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा पर करंट इज नीदर अ स्केलर क्वान्टिटी नॉर अ वैक्टर क्वान्टिटी करंट एक टेंसर क्वान्टिटी होता है इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे दो करंट की वैल्यूज हैं फाइव एम्पियर टू वर्ड राइट एंड फाइव एम्पियर टूवर्ड्स डाउन डायरेक्शन तो मैं इनका वेक्टर एडिशन करके ऐसे नहीं लिख सकता कि इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्निट्यूड रूट फिफ्टी एम्पेयर होगा विच इज़ फाइव स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर का अंडर रूट तो ऐसा नहीं होता है वेरेंट के केस में